hello everyone welcome to the silicon Gurukul. recently the union minister of environment and forest issued a draft notification declaring a 1km area from the boundaries of the pong dam wildlife sanctuary in kangara district as an eco-sensitive zone so this was a news pong dam lake wildlife sanctuary at first some facts about pong dam lake wildlife sanctuary सो इट इज सिचुएटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर भी है ऑल्सो नॉन एज पोंग रिजर्वायर और पोंग डैम लेक सो ऑल द थ्री नेम्स बिलोंग टू द सेम रिजर्वायर विच इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया 1975 में इसका क्रिएशन हुआ था बाय बिल्डिंग द हाइएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया ऑन बीस रिवर हिंदी में से व्यास रिवर भी कहा जाता है इसे वेटलैंड जोन ऑफ द शिवालिक हिल्स में क्रिएट किया गया था नेम्ड इन द ऑनर ऑफ़ महाराणा प्रताप ऑल ऑफ अस नो द रिजर्वायर ऑफ द लेक इज़ अ वेल नाउन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सबको पता रहना चाहिए कि ये रिजर्वायर यानी वाटर बॉडी जो है ये 24,529 हेक्टेयर लैंड एरिया कवर करता है और वेटलैंड उसमें से 15,662 थाउजेंड हेक्टेयर कवर करता है तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो डैम बना था पोंग डैम इस पोंग डैम के कारण वाटर का फ्लो रुका तो फिर बहुत बड़ा रिजर्वायर बना जिसमें कि वेटलैंड्स भी यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स के फॉर्म में बन गए हैं या आसपास के जो एरिया हैं वो वेटलैंड्स हैं तो यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं और भी बहुत सारे फिनमिनन यहाँ पर देखे जाते हैं और यही कारण है कि हाल ही में इसे एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एंड इन 2002 इट वाज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज सब ट्रॉपिकल माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ बहुत अधिक देखे जाते हैं इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के टर्म्स में एलोंग विद नंबर ऑफ एंडमिक स्पेसीज सेवरल ट्री स्पेसीज देखा जाता है जिसमें एडिबल फ्रूट होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत काम आते हैं ऑल्सो सम सबमर्ज एकवैटिक वेजिटेशन लेकिन यहाँ होता क्या है कि वाटर का लेवल अप डाउन होता रहता है तो सबमर्ज एकटिक वेजिटेशन में उतना अधिक कंसिस्टेंसी हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है जो वेटलैंडस है वहाँ हमें एकैसिया जामुन शीशम मैंगो मलबेरी फिकस कचनार आमला प्रूनस ये सब ट्री देखने को मिलते हैं फोना की बात करें तो साम्भर बाकिंग डियर वाइल्ड डियर नील गाय क्लावलेस होटर एंड लियोपार्ट्स देखने को मिलते हैं एवी वी फोना यानी बर्ड्स की बात करें तो बार हेडेड गीज पिंटेल्स, कॉमन पोर्चार्ड्स कूट्स ग्रेबेस, ओके ये सारे बर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं अक्सर सो वी शुड नो कि हाल ही में पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है सो वी शुड नो दिस फैक्ट मे बी It could work in examination.